माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में लगातार मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, पीएचई मंत्री भी गए हैं, एयर एम्बुलेंस की बात हुई थी, अस्पताल की बात हुई थी, फोन नंबर दे के आए हैं, बोले हम देश में इलाज कराएंगे, कहीं भी ले जाना पड़े हम जाएंगे। और पानी की मुख्य समस्या वहां पानी की है, पानी की प्राथमिकता इनकी आपको दिखाई दे रही है। सवा चार साल, साढ़े चार साल का समय निकल गया, ठीक है। मंत्री जी का जवाब आया है कि हम टेंडर करा रहे, हमारे सरकार के रहते तक टेंडर हो जाएंगे। अब ये जवाब आएगा तो कैसे, किसको संतुष्ट करेंगे हमारे माननीय सदस्य, हम कैसे संतुष्ट होंगे? वहां पर लगातार मौतें हो रही, तो ये माना जाए कि बाकी जो गांव है उससे प्राथमिकता में वो गांव होनी चाहिए। और प्राथमिकता में होने के बाद में प्राथमिकता ये है कि साढ़े चार साल में यदि टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं मैं कि सुपेबेड़ा को प्राथमिकता में लेकर के, वहां के हालात परिस्थितियों को लेकर के, जितना जल्दी वहां पर हो जाए, पानी की शीघ्र व्यवस्था हो, तो कितने समय के अंदर में आप कर देंगे बताने का कष्ट करें। सवाल पूछा है, उनका जवाब आने दीजिए ना, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी? सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रॉपर सुपेबेड़ा आसपास के गांव की बात की जाए तो पेयजल की कोई समस्या नहीं है उस गांव में, लेकिन जब हम गए वहां पे तो वहां के गांव वालों की डिमांड थी कि ना तेल नदी से आप हमें पानी पिलाएंगे क्या, गांव वालों की डिमांड थी, और बिल्कुल हमने घोषणा किया वहां। या तो आप बोल लीजिए या फिर जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। और अध्यक्ष जी, जो मैंने बोला हमारे रहते टेंडर हो जाएगा, मैं यहीं पे घोषणा कर रहा हूं, एक महीने के अंदर टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा, और अति शीघ्र पूरे 9 के 9 गांव में पानी मिलेगा।